अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा मेरा रक्षाबंधन। मन्ने माफ कर देना बापू सर, अपने दिया हुआ वादा मैं पूरा ना कर सका। बचपन से लेकर अब तक हर दिवाली आपके साथ मनाई है, पर इस बार आपकी बिना दिवाली सुनी है। मेरे लिए मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूं। मैंने अपने हाथों से बनाया है, जरा पहन के दिखाइए। तेरे कपड़ों का रंग, हरी चूड़ियां, सब कुछ तुम्हारी पसंद से लेती थी ना, और आज तुमने इतना बड़ा फैसला हमारे से बिना पूछे ले लिया। आज तुझे समर और अपने भाई के बीच में किसी एक को चुनना होगा। दुनिया के रिश्ते अब कभी मायने ना रखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी दुनिया तुझे माना था मारी बहन, और उस दुनिया ने तूने आज अपने हाथों से उजाड़ा है रसाड़। भाई साहब, मैंने ये जो कदम उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा के लिए है। बचपन से रक्षा करने की जो कसम खाई है ना, उसे तोड़ने ना दूंगी। ये आपकी लाडों का वादा है आपसे। हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हें अपना ध्यान नहीं रखा जा रहा? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। सॉरी रसाल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, और एक पति का पूरा फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी का पूरा ख्याल रखे। और एक और खास बात, अभी से शाम तक तुम अपने कमरे से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक ताई जी का व्रत पूरा नहीं हो जा सकता। देखो रसाल, समझने की कोशिश करो, ताई जी ने बड़े मन से हमारी खुशियों के लिए यह व्रत रखा है। पति, फर्ज, पत्नी का ख्याल, खुशी, इन सब शब्दों का मतलब भी पता है आपको? मुझे नहीं पता आपने मेरे साथ अभी तक जो भी किया वो क्यों किया। आज आप मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए जिंदगी भर की कैद वाली सजा कब देने वाले हैं? और आपकी ताई जी जो ये आपकी खुशियों के लिए व्रत रख रही है ना, उसमें हम भाई बहन की खुशियाँ जरूर बर्बाद हो चुकी है। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ?
आपने जिस नंबर पे ट्राई किया है वो अभी व्यस्त है। शिवा, अरे खून निकल रहा है, बैठ। यू क्या कर बैठा, संभाल अपने आप को। भाई साहब मेरा फोन उठाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है आपने मेरा फोन उठा लिया। मैं बोल रही हूँ पूर्णिमा। बड़ी भीम साहब, याद रखना एक बात, तू जिस तरह से अपने भाई के मुंह पर काली पोत कर गई है ना, तेरी वजह से मेरी छोरी को भी 10 बातें सुननी पड़ रही हैं। तेरा भाई शर्म के मारे गड़ा जा रहा है, वो तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और खबरदार, और उसे दोबारा कभी फोन करने की हिम्मत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मुझे माफ कर देना भाई साहब, मैं हमेशा कितनी शान से कहती थी ना कि मैं आपकी शान और जान दोनों हूँ, और आज मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मुझे पता है मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, पर भाई साहब आप मुझे जितनी भी नफरत कर लोगे ना, मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकती। मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने क्यों तबसा से शादी की। आज तक मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसी हूँ ना, तो आप ही तो मुझे आके बचाते थे। आज मैं किस मुंह से आपसे मदद मांगू। भाई साहब, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, समर साहब मुझे ब्याह करके हमारे पुराने घर ले आए हैं, हमारे बापू साह के घर में। समर साह का कहना है कि ये उनकी ताईजी का घर है, आज शाम में मैं उनकी ताई जी से मिलने वाली हूँ। भाई साहब, फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।